नवरात्र के प्रथम दिन अयोध्या के तपस्वी छावनी में आज बेटी सम्मान महायज्ञ का आयोजन किया गया। तपस्वी छावनी के संत स्वामी परम हंसदास ने बेटी सम्मान महायज्ञ किया। महायज्ञ में बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए हवन पूजन किया गया। इस दौरान स्वामी परमहंस ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर बेटियों को नवदुर्गा की तरह पूजा जाना चाहिए और पूजा होती है। हमारे वैदिक काल से हमारे संस्कृति का ये अभिन्न अंग है, लेकिन दुर्भाग्य है जिन बेटियों को हम माँ भगवती जननी का रूप मानते हैं, जब उन्हीं बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उन्हीं बेटियों को अपमानित किया जाता है। दहेज कम दिया गया तो ससुराल में उनको जिंदा जला दिया जाता है। पिता ने अगर बेटी को पढ़ा भी दिया तो उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है और वह समाज में घुट घुट कर जीती हैं। वहीं स्वामी परमहंस ने कहा कि ऋग्वेद में लिखा है कि 100 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, लेकिन आज हिंदुस्तान में आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सम्मान से नहीं रह पा रही हैं। 80% आज भी बेटियां समाज में उपेक्षित हैं, कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हो रही हैं। स्वामी परमहंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान की सफलता के लिए तपस्वी छावनी में बेटी सम्मान महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम हंस ने सरकार से मांग की है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं और उन्हें सम्मान मिले। प्रणाय सर्वरोगराय सर्वशीकराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगराय सर्वशीकराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगराय सर्वशीकराय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगराय सर्वशीकराय रामदूताय स्वाहा। विश्वेनो देवा आवासागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वागुंसस्तणुभिर्व्यसेम हि देवहितं च दायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शिखराजरसं तनूनां। बेटी सम्मान रक्षा महायज्ञ का था। चूंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और वेदों में लिखा गया है कि प्रत्येक बेटी जो है दुर्गा के समान होती है, तो जहां हम नवदुर्गा में कन्या को नवदुर्गा के रूप में पराम्बा भगवती जगत जननी के रूप में पूजा करते हैं, और फिर उन्हीं बेटियों के ऊपर जब देखा जाता है दरिंदगी होती है, जब देखा जाता है कि दहेज न होने कारण तमाम बेटियां अविवाहित रह जाती हैं अथवा कम दहेज देने कारण ससुराल में वो प्रताड़ित उपेक्षित की जाती हैं, और यहां तक ही सुना जाता है जिंदा जला दी जाती हैं। कई बाप जो है तो बहुत मुश्किल से बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी ग्रेजुएट होने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो घुट घुट के उनका जीवन व्यतीत होता है। तो जहां हमारे वेदों में नारी का इतना सम्मान, बेटी का इतना सम्मान, कन्या का इतना सम्मान, ऋग्वेद में लिखा है सतपुत्र समा कन्या 100 बेटा के बराबर एक बेटी होती है, लेकिन दुर्भाग्य है आज कि आज जो है भारत में केवल 20% ही जो है बेटियां सम्मान से जीवन व्यतीत कर रही हैं। 80% बेटियां आज भी उपेक्षित हैं, कहीं ना कहीं से अपमानित हैं, तिरस्कृत हैं और अर्थाभाव में जीवन व्यतीत कर रही हैं। कुछ बहुत ऐसी हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से, चूंकि अयोध्या की ये तपस्वी छावनी आचार्य पीठ है और मैं जगत गुरु परमहंस जो है आज केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस नवरात्रि पर जो है केंद्र सरकार ये दे कि राम मंदिर के साथ साथ प्रत्येक बेटी के सम्मान की रक्षा केंद्र सरकार करे। अगर एक भी बेटी जो है दुखी है और आंसू गिर रहा है, तो मेरा मानना यह है, मेरे वेदों में लिखा गया है कि जब तक एक भी नारी जिस देश में दुखी है तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए देश को विश्वगुरु बनाना है, रामराज की स्थापना करनी है, तो राम मंदिर के साथ साथ प्रत्येक बेटी के सम्मान की रक्षा मोदी जी को करनी होगी, केंद्र सरकार को इस पर पहल करनी होगी, क्योंकि नारी का सम्मान जहां है संस्कृत का उत्थान वहां है। और हमारे यहां वैसे भी कहा गया है कि नारियस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते, तो जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है, वहीं समाज देवता होता है। और जहां नारी आज जो है, आज के समाज में आजादी के इतने दिन बाद भी आज नारियां इस तरह से उपेक्षित और प्रताड़ित हो रही हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, कहीं ना कहीं से समाज पाश्चात्य की ओर जा रहा है, और समाज को फिर जो है अपनी संस्कृति को लौटना होगा, समझना होगा और बेटियों के सम्मान के लिए। अयोध्या से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट।